सभी का स्वागत करती हूँ आपका स्पेशल खास प्रोग्राम भोजपुरी टॉप फाइव। भोजपुरी टॉप फाइव के प्रोग्राम में आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो ताज़ा तरीन खबरें जो इन दिनों आज के डेट में आज के समय में सबसे बड़ी खबर होती है, यानी कि आज की हम टॉप फाइव बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के खास स्टार, जी हाँ, भोजप्रिया राजा पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे। इन दोनों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि ये दोनों एक साथ फिल्म साइन कर चुके हैं। जी हाँ, ये दोनों बहुत जल्द एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार हमारे भोजपुरी राजा पवन सिंह और आम्रपाली दुबे इन दोनों का एक साथ कौन सी नई फिल्म में इन दोनों का साइन हुआ है और कौन सा इन फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। जिस समय से सुपरस्टार पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का गाना राते दिया बुता के पिया गाना सुपर हिट हुआ था, तब से दोनों से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती रही हैं। जी हां, जिसमें से एक खबर ये भी थी कि पवन आम्रपाली एक साथ फिल्म में कब नजर आएंगे। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस बार आम्रपाली और पवन एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हां, ये खबर पक्की है। ये दोनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशांक राय की फिल्म शेर सिंह में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग 3 जुलाई से मुंबई में शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि फिल्म के एक शेड्यूल की शूटिंग बैंकॉक और पटाया में भी किया जाएगा, ये जानकारी खुद शशांक राय ने दी है। फिल्म में पवन आम्रपाली के अलावा अशोक सम्राट भी नजर आएंगे। उधर फिल्म शेर सिंह के अनाउंसमेंट के बाद भोजपुरी बॉक्स ऑफिस की गर्मी बढ़ने लगी है। जी हां, चारों ओर इस फिल्म की चर्चा है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशांक राय को भी शेर सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि फिल्म में बहुत कुछ नया होगा, ये बहुत बड़ी और मनोरंजन के तौर पर फिल्म बनाई जा रही है। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय पर तमाम तरह की जो खबरें हैं वो उन सब से हटकर अब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में नया कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो पर्दे पर, जी हाँ, भोजप्रिया पर्दे पर पहली बार एक साथ एक फिल्म में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे नजर आने वाली है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे पास आई हुई है हमारे स्टार, जी हाँ, भोजपुरी के स्टार कह सकते हैं उनको, लेकिन भोजपुरी के साथ साथ वो एक दिग्गज नेता के बेटे भी माने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ तेज प्रताप यादव की, जो कि अब बॉलीवुड में एंट्री कर गए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, जहाँ उनके पिताजी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, तो वहीं अब उनके बेटे भोजपुरी के फिल्मों में तो काम किया ही है उन्होंने, लेकिन अब वो बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। उनकी नई फिल्म आने वाली है, तो चलिए तेज प्रताप यादव की आपको उनकी नई फिल्म और उनसे जुड़ी कुछ खासा जानकारियां आपको बताते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बिहार के सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे नेता तेज प्रताप यादव बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। जी हां, तेज बहुत जल्द ही फिल्म रुद्रा द अवतार में नजर आएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज ने बुधवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए यह जानकारी साझा की। नीले रंग के इस पोस्टर में वो 29 वर्षीय तेज धूप का चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर हिंदी में लिखा है रुद्र द अवतार और नीचे अंग्रेजी में जल्द आ रही लिखी हुई है फिल्म। जी हां, इससे पहले तेज ने 2016 में भोजपुरी फिल्म अपहरण उद्योग में बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी। तेज प्रताप सिंह की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले वो कृष्णा और राजमिस्त्री के रूप में भी नजर आए थे। यही नहीं, एक बार वो बहुचर्चित के रूप में भी जलेबियां भी छानते हुए नजर आए थे। उन्होंने रजत विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ सात फेरे लिए हैं। इस शादी के साथ ही बिहार के दो सियासी परिवार की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। तो देखा आप
आपने दोस्तों किस तरह से इस समय पर भोजपुरी इंडस्ट्री में वो तमाम ऐसे स्टार हैं, तमाम ऐसे बड़े नए नए लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं, और जिन लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से पहले लगाव नहीं था, कुछ उन्हें ऐसा लगता था स्कोप नहीं है, उनकी अब ये सोच बदलती नजर आ रही है। और तेज प्रताप यादव तो भाई बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी ज्यादा हैंडसम हीरो, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू जी के बारे में। प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू जी की इस साल की जो सबसे बड़ी फिल्म कही जा रही है वो फिल्म है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू। इसकी फिल्म पहली दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई, तो उम्मीद नहीं बल्कि चिंटू को यकीन है कि उनकी जो फिल्म का दूसरा पार्ट है वो भी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू की जो दूसरी फिल्म है, जी हाँ, जो फिल्म है दुल्हन चाहे पाकिस्तान पार्ट टू, वो उसका टीजर, जो मोशन पिक्चर टीजर जो रिलीज हुआ है, उसमें दर्शकों को क्या कुछ नया देखने को मिला है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी के एक्शन हीरो प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से टू का मोशन पिक्चर टीजर भोजपुरी म्यूजिक पर रिलीज किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए चिंटू ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस पोस्ट के जरिए चिंटू ने अपनी फिल्म की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने दर्शकों से अपील की है कि इस फिल्म को चिंटू ने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो इस फिल्म के टीजर को देखें और ढेर सारा प्यार दें। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, चिंटू के इस फिल्म को एक बड़े बजट के तौर पर बनाया गया है, क्योंकि इस फिल्म में चिंटू के साथ भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं। तो अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या प्रदीप पांडे चिंटू की इस फिल्म को पहले पार्ट की तरह दर्शकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलता है, क्योंकि वो ही प्यार चिंटू की इस फिल्म को भी दर्शकों की तरफ से मिल पाता है या फिर नहीं। क्या भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ये फिल्म कोई रिकॉर्ड तोड़ पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से इस समय पर हमारे प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू जी अपनी नई फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, और साथ ही साथ वो अपने दर्शकों से अपने इस फिल्म को ढेर सारा प्यार देने के लिए दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं। खैर, प्रदीप पांडे चिंटू को उनके फैंस इतने ज्यादा है कि उन्हें अपील करने की मुझे नहीं लगती जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार, जी हाँ, रवि किशन के साथ पहली बार भोजप्रिया पर्दे पर नजर आ चुकी काजल राघवानी, जो कि रवि किशन के साथ पहली बार नजर आ रही हैं, और इन दोनों की जोड़ी से बनी फिल्म बैरी कंगना पार्ट टू का पहला गाना रिलीज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार रवि किशन और काजल राघवानी का जो पहला गाना है वो कितना रोमांटिक है, और इस गाने में क्या खास आप लोगों को देखने को मिल रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मी दर्शकों की इंडस्ट्री की कुछ जोड़ियां बहुत पसंद आती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है काजल और खेसारी, जिन्हें एक साथ देखने वाले दर्शक दोनों की हर फिल्मों को हिट करवाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल और काजल राघवानी की फिल्म तो दर्शक बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस जोड़ी से ज़्यादा आपको एक बार फिर से काजल के साथ किसी और की जोड़ी पसंद आ सकती है, और वो कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन है। रवि किशन के साथ हाल ही में काजल राघवानी ने बैरी कंगना 2 फिल्म में काम किया है, जिसका एक वीडियो सॉन्ग हाल ही में रिलीज कर दिया गया है एंटरटेन म्यूजिक से। इस वीडियो को रिलीज हुए अभी तक सिर्फ कुछ ही घंटे बीते हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग इस वीडियो सॉन्ग को देख चुके हैं। इस गाने के बोल हैं चोच तनी मार के देख, जिसे इंदु सोनाली ने अपनी आवाज़ दी है, और इंदु सोनाली की आवाज़ में गाए हुए इस गाने पर रवि किशन और काजल ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। इस गाने के अलावा आप लोग 6 जुलाई को ये फिल्म भी देख पाएंगे, जो बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है, और देखना ऐसे में दिलचस्प होने वाला है कि खेसारी काजल की तरह ही क्या रवि किशन और काजल की जोड़ी को दर्शक पसंद कर पाते हैं। दोस्तों किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो खास हीरो हैं हमारे रवि किशन और काजल राघवानी की, काजल राघवानी का ये जो पहला गाना है वो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि इनकी ये फिल्म जो है बैरी कंगना पार्ट टू, वो 6 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है।
फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आज की आखिरी खबर है। जी हाँ, और वो खबर हमारे भोजपुरी के दो बड़े स्टार, दो बड़े दिग्गज स्टार के साथ जुड़ा है, जिसमें पहला नाम है भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। कल इनके खेसारी लाल यादव के बेटे के बर्थडे का काफी सारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ये दोनों स्टार एक दूसरे से उस रंग में रखते हुए नजर आए जिसपे शायद हर किसी को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन साथ में उन लोगों ने एक और इन दोनों के बीच दिलचस्प बात ये हुई कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव का गाना गाया। जी हाँ, एक स्टार दूसरे स्टार का जब कोई गाना गाता है तो ये अपने आप के लिए, एक सामने वाले कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हमारे जो स्टार हैं दोनों, उन्होंने एक दूसरे के साथ किस तरीके से हेल मेल की, किस तरीके से इन दोनों एक दूसरे से साथ बातें की, और आखिरकार कौन सा वो गाना है खेसारी लाल यादव का जो कि पवन सिंह ने है गुनगुनाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायकी के सरमौर खेसारी लाल यादव अपनी गायकी से हमेशा ही सभी का दिल जीतते आए हैं। इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में खेसारी व्यस्त हैं, लेकिन इनकी कई सारी फिल्में आने वाले दिनों में रिलीज भी होने वाली हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है जिसका नाम है राजा जानी, जो आने वाली 6 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी फिल्म का एक गाना हाल ही में एंटरटेन म्यूजिक पर रिलीज कर दिया गया है ऑडियो सॉन्ग के रूप में, जिसके बोल हैं लगावे बोरो पलस। वेल, अगर आपको याद हो तो खेसारी का एक गाना फेयर लवली लगा के फेयर लवली भी बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, जिसमें ऋतु सिंह के साथ खेसारी नजर आए थे। और अब एक बार फिर से खेसारी ने क्रीम बोरो प्लस पर गाना बना दिया है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि फेयर एंड लवली की तरह ही लोगों को बोरो प्लस वाला गाना कितना पसंद आता है। वेल, जाते जाते बता दें कि खेसारी के इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से रिलीज किया गया है, जिसे कुछ ही घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो टॉप 5 बड़ी खबरें जो कि आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके, कोई भी खबर कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसा हम नहीं चाहते। दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम पे यहीं लगाती हूं विराम और आप सभी लोगों से लेती हूं इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।